ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों का यानी आस्तिकों का दावा है कि ईश्वर पर सिर्फ विश्वास करने से ईश्वर है। लेकिन आप यदि तर्क वितर्क करेंगे तो आप कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ईश्वर को देख नहीं पाएंगे। यानी सबसे पहले आपको ईश्वर अल्लाह गॉड के प्रति आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ईश्वर मिल सकता है, भगवान मिल सकता है, अल्लाह मिल सकता है। हम तर्कवादी, युक्तिवादी या विज्ञानवादियों का एक सीधा साधा सवाल है, क्या आप सबसे पहले यह परिभाषा हमें सुना सकते हैं, जनता के सामने पेश कर सकते हैं कि भगवान अल्लाह गॉड या ईश्वर की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है? आपको सबसे पहले भगवान अल्लाह या गॉड के एक परिभाषा तय करना होगा। ईश्वर अल्लाह गॉड को लेके एक ऐसी परिभाषा दीजिए जो विज्ञान के सामने स्वीकृत होगा, विज्ञान भगवान अल्लाह गॉड को दिए गए परिभाषा को स्वीकार कर लेगा। आप एक ऐसी परिभाषा दीजिए, ईश्वर अल्लाह या गॉड निराकार है या साकार। आप एक ऐसी परिभाषा दीजिए कि जिसमें सिर्फ अल्लाह गॉड या भगवान निराकार है अथवा आकार है। ईश्वर अल्लाह गॉड को लेके आप एक ऐसी परिभाषा पेश करिए जिसमें स्पष्ट करिए कि अवतार जो दावा करते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, वो वाकई में भगवान ईश्वर अल्लाह का अवतार है या नहीं, और इन अवतारों के साथ ईश्वर अल्लाह गॉड का क्या संबंध है, क्यों भगवान को धरती पे अवतार लेना पड़ता है, यह भी अपनी परिभाषा में स्पष्ट करिए। यानी आप आस्तिकों को एक ऐसी परिभाषा पेश करनी होगी जो यह सिद्ध करे क्यों धरती पे ईश्वर अल्लाह अवतार लेता है, क्यों कण कण में बसा हुआ भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ईश्वर अल्लाह गॉड है या नहीं, यह आसानी से प्रमाण किया जा सकता है। जो लोग दावा करते हैं उनके पास दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति है या भगवान के दिए गए आशीर्वाद है, वे अपना प्रमाण कोई चमत्कार दिखाकर, अलौकिक शक्ति दिखाकर, दैवी शक्ति दिखाकर दे सकते हैं। हमारे आसपास गांव देहात में भी आज ऐसे अनेक तांत्रिक है, बाबा जी है, अलौकिक क्षमता के दावेदार हैं, जो यह बार बार कहते हैं कि उनके पास दैवी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है। तो क्यों ना आप अपनी दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति या चमत्कारी शक्ति का प्रमाण देकर ये साबित कर दे वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड है। अगर आप दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति या चमत्कारी शक्ति का अधिकारी हैं तो यह शक्ति आप कहाँ से प्राप्त किए हैं? सवाल होगा कि आप ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे ही यह दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति प्राप्त किए होंगे। तो क्यों ना आप अपना दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति या चमत्कारी शक्ति का प्रमाण देकर ये साबित कर दे वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड का अस्तित्व है। लेकिन आप अगर सिर्फ दावा करते रहेंगे तो हम युक्तिवादी, विज्ञानवादी या तर्कवादी आप पे सवाल उठाएंगे कि आपका दावा सिर्फ दावा है, आपके पास ना तो कोई चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है या दैवी शक्ति है, आप एक नंबर के चिटिंगबाज, पाखंडी और 420 है। आप लोगों को ठगने के लिए यह दावा करते आए हैं कि आपके पास चमत्कारी शक्ति, अलौकिक शक्ति या दैवी शक्ति है। अगर आपके पास वाकई में कोई शक्ति है, चमत्कारी शक्ति, दैवी शक्ति, तो उसका प्रमाण दीजिए। तो आपको भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
यह चुनौती युक्तिवादियों ने इसलिए दी है कि इससे यह साबित होगा कि वाकई में चमत्कार है, अलौकिक है या दैवी शक्ति है या नहीं। और जो लोग दावा करते हैं कि उनके पास दैवीय, अलौकिक या चमत्कारी शक्ति है, तो यह भी इस चुनौती के माध्यम से साबित हो जाएगा। इसलिए अगर आपके गांव, देहात या शहर में कोई ऐसे बाबा जी, तांत्रिक, ओझा या दैवी शक्ति के अधिकारी के दावेदार हैं, तो उन्हें यह चुनौती लेने के लिए बाध्य करिए। उन्हें कहिए चुनौती लीजिए और अपने दावे का प्रमाण दीजिए। सिर्फ अपनी मुंह की बातों से लोगों को भ्रमित न करिए।